नमस्कार साथियों, आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा सबसे आगे निकलती हुई दिख रही है। तैयारियों में, इलेक्शन के रिजल्ट में अभी मैं कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन जो तैयारियां हैं, आज मैं बात करूंगा बिहार के बारे में। और बिहार भाजपा काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रही है अपनी तैयारियों में, क्योंकि साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी बिहार अपने मौजूदा कुछ सांसदों का टिकट काट सकती है। इसके साथ ही कुछ मौजूदा बीजेपी सांसदों की सीटें भी बदली जाएगी। ये पुरानी रणनीति रही है भाजपा की कि जो भी सांसद हैं, लगभग 30% सांसदों के टिकट काटे जाते हैं, नए युवा चेहरों को मौका दिया जाता है और वो जीत करके आते हैं। भाजपा ने साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत मिशन 2024 में भाजपा ने बिहार में कम से कम 35 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। पिछले लोकसभा चुनाव जैसे नतीजे दोहराने के मकसद से ही ये भाजपा इस बार सीट बंटवारे पे भी फोकस कर रही है, क्योंकि इस बार फिर से कुछ नए दल एनडीए गठबंधन में शामिल हुए हैं बिहार से। तो चलिए मैं विस्तार से आपको बताता हूँ। जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक बिहार में बीजेपी 40 सीटों में से 30 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, यानी कि 10 सीटें वह अपने सहयोगी दलों को दे सकती है, जिसमें चिराग पासवान और पशुपति पारस, इन दोनों को मिलाकर फिर से एक बार 6 सीटें दिया जाएगा, जो कि पिछले चुनाव में भी 2019 के चुनाव में भी लोजपा को 6 सीटें दी गई थी। इसके अलावा बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे का फार्मूला भी लगभग तय कर चुका है। बीजेपी इस बार काफ़ी तेजी से अपने काम को कर रहा है ताकि एक एक सीट पे अभी से कैंडिडेट तय हो जाएं, चुनाव आते आते सबको ये पता हो जाए कि किस सीट पे किस दल का प्रत्याशी लड़ेगा, तो उनको तैयारी करने के लिए और ज़्यादा समय मिल जाएगा। जैसा कि इन्होंने अभी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश चुनाव के कुछ कैंडिडेट को घोषित कर दिया, जबकि चुनाव की घोषणा भी अभी तक नहीं हुई है, यानी कि उनको लगभग 3 महीने का समय मिल जाएगा अपने कंस्टिट्यूएंसी में काम करने का। अब चलिए कुछ और खबर ये आ रही है कि जदयू कुछ सांसद भाजपा में आने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, लेकिन उसके पहले उपेंद्र कुशवाहा, जिनकी अपनी पार्टी है बिहार में, उनको 2 सीटें देने की बात हो रही है। वहीं जीतन राम मांझी, उनको भी 1 सीट देने की बात हो रही है गठबंधन के द्वारा। साथ ही साथ भाजपा जदयू के कुछ सांसदों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है, और भाजपा ये दावा कर रही है कि जदयू के बहुत सारे सांसद हमारे संपर्क में हैं, लेकिन वो अक्टूबर में पाला बदलेंगे, क्योंकि अक्टूबर के बाद जो 6 महीने के अंदर उपचुनाव होने की जो एक नियम है उससे वो लोग बच जाएं। अक्टूबर में जब वो पाला बदलेंगे, भाजपा में आएंगे, तो उपचुनाव की नौबत नहीं आएगी उस सीट पे, और जो नेक्स्ट जो 2024 में चुनाव होने हैं सीधा वो चुनाव होगा। तो भाजपा का ये दावा है कि जदयू के 6 सांसद उनके संपर्क में हैं और वो पाला बदल करके भाजपा में आएंगे। पिछली बार जदयू और LJP के साथ मिलकर भाजपा ने चुनाव लड़ा था और 39 सीटों पर जीत हुई। सिर्फ 1 सीट किशनगंज का, जहां से कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर जावेद ने जीत हासिल किया था, जबकि बीजेपी जदयू ने 17-17 सीट और लोजपा 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था सन 2019 में। वहीं बीजेपी ने सारी सीटें जीत ली थी सिर्फ 1 सीट को छोड़ करके, यानी कि दोनों लोगों ने मिलकर के गठबंधन में। इस बार बीजेपी अपने कुछ मौजूदा सांसदों का टिकट काट सकता है, जो खबर आ रही है। साथ ही साथ कुछ जो बीजेपी मौजूदा जो सांसद उनकी सीटें बदली जाएगी, अगर ज़रूरत पड़ी तो कुछ दूसरी पार्टी के नेता बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ सकते हैं। ज़्यादा जोर बीजेपी इस बार खास करके अभी से ही 2 सीटें नालंदा और किशनगंज पे लगा चुकी है, वहाँ पे उनकी तैयारियाँ जारी है। कुछ ऐसी सीटें हैं, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बक्सर की सीट है, जहाँ से जो मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री हैं उनका टिकट कटना तय है। वहाँ पे दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी को भेजा जा रहा है। साथ ही साथ
कई ऐसी सीटें हैं जहां पे बात चल रही है कि मौजूदा सांसदों को हटा दिया जाएगा, टिकट उनका काट दिया जाएगा और कुछ जदयू के सांसदों को अपने पाले में लाया जाएगा। तो भाजपा बिहार में पूरी तैयारी के साथ जुड़ गई है और भाजपा को ये मानना है भाजपा का कि जो सत्ता की जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश और बिहार होकर के गुजरता है। उत्तर प्रदेश में भाजपा अपने आप को काफ़ी मजबूत स्थिति में पा रही है, बिहार में स्थिति 50-50 का है, लेकिन भाजपा अभी से ही लग गई है सीटों, हर सीट का अलग अलग आकलन किया जा रहा है। हर सीट पे मौजूदा जो सांसद हैं उनका जो पिछले 5 साल का जो कार्यकाल है उसके बारे में आकलन किया जा रहा है और भाजपा काफ़ी गुप्त रूप से कई अलग अलग तरीके के सर्वे करवा रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये जो सांसद हैं वर्तमान में ये कितने मजबूत हैं, क्या ये दोबारा अपनी सीटें ला सकते हैं। इसी कड़ी के तहत आपको पता होगा कि जब संसद का सत्र चल रहा था तो प्रतिदिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के सांसदों की अलग अलग ग्रुप में बैठक ले रहे थे। ग्रुप में सांसद कभी 20-30 इतने ही सांसदों की ग्रुप बैठक प्रतिदिन शाम को हो रही थी और ये एक रणनीति बनाई जा रही थी, एक संदेश देने की कोशिश हो रही थी कि किस प्रकार से आपको आगे चल करके अपने चुनाव मैदान में उतरना है और कैसे अपने विरोधियों को निपटाना है। काफ़ी कुछ तैयारियां चल रही है और गहमा गहमी स्टार्ट हो गया है। खास करके बिहार की कुछ सीटों की हम बात करें तो बक्सर के बारे में तो मैं बता ही चुका हूँ, आरा की सीट भी इस बार बदलने वाली है। आरा से भी वर्तमान जो सांसद हैं वो केंद्र में ऊर्जा मंत्री हैं आर के सिंह, उस सीट के बारे में भी ये खबर आ रही है कि उनको इस बार बदला जाएगा। साथ ही कई ऐसी सीटें हैं क्योंकि जदयू के जो सांसद हैं वो भाजपा में आएंगे और इसके लिए इंटरनल रूप से काफ़ी ज़्यादा मीटिंग्स चल रही है। अब आने वाले समय में ये देखना है कि बिहार की जनता क्या चाहती है। सबसे बड़ा इस बार निर्णायक साबित होगा बिहार की जनता और बिहार में जिस प्रकार से सरकारी नौकरी नहीं देने का एक रोष है और विपक्ष हर जगह घूम घूम करके ये प्रचारित कर रहा है कि केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया है सिर्फ जुमला के सिवा, ये तो आगे आने वाले समय में हमें पता चलेगा कि आखिर केंद्र सरकार ने क्या किया और वहाँ की जनता का मन क्या है, जनता क्या चाहती है। आगे आने वाला चुनाव काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस देश के लिए क्योंकि देश ये देखेगा ये चुनाव में किस प्रकार से देश की जनता का मन क्या है। मुद्दे काफ़ी कुछ हैं, लगातार मैं आपको इस चैनल पे चुनाव से संबंधित अपडेट देता रहूँगा। जल्दी ही एक सीरीज स्टार्ट करूँगा जिसमें देश के प्रत्येक लोकसभा सीट के बारे में आकलन दिया जाएगा हमारे चैनल से। तो आप चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। जय हिंद, जय भारत।